आईपीएल 2023 का एक और महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच हो रहे इस खतरनाक मुकाबले की तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आखिरकार दोनों टीमों के किन किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी, साथ ही इम्पैक्ट प्लेयर का क्या रोल होगा और क्या होगी मैच प्रिडिक्शन, क्या आखिरकार इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, तमाम जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिरी तक, और साथ ही आप भी चाहते हो आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के अब तक आईपीएल 2023 के परफॉर्मेंस की तरफ। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग इस समय नंबर 1 आईपीएल की टीम बनी हुई है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम नंबर 3 पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिर्फ एक ही मुकाबले का फर्क है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग जहां 5 मुकाबला जीत चुकी है तो राजस्थान रॉयल 4 मुकाबला जीत चुकी है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स अपने पिछले दोनों मुकाबले हार कर यहां पहुंच रही है। वहीं पर इसके अलावा हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की और राजस्थान रॉयल के बीच मुकाबले में चेन्नई को हरा कर राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा कारनामा किया था। चेन्नई सुपर किंग राजस्थान रॉयल्स को उसी के घर में हरा कर अपना बदला पूरा करना चाहेगी। दोस्तों राजस्थान रॉयल की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करते दिखेंगे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ होंगे जोश बटलर, जबकि नंबर 3 पर संजू सैमसन उतरेंगे, तो नंबर 4 पर देवदत्त उतरेंगे, नंबर 5 पर सिमरन हिटमायर उतरेंगे, तो नंबर 6 पर टीम की तरफ से ध्रुव दुरेल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 7 पर जेसन होल्डर उतरेंगे, तो नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन उतरेंगे, नंबर 10 पर संदीप शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो वह अब्दुल वासित रहने वाले हैं, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो सीएसके की तरफ से डेविन कानवे और उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। दोनों विस्फोटक बल्लेबाज इस टीम को काफी शानदार शुरुआत दिला सकते हैं। दोस्तों इसके बाद देखा जाए तो अब तक इस टीम के लिए नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे ने कमाल की बल्लेबाजी की है, तो एक बार फिर अजिंक्य रहाणे से यहां काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। वहीं पर इसके बाद नंबर 4 पर हमें शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे, या अभी काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवम दुबे से एक बार फिर चेन्नई को बड़े स्कोर की उम्मीद रहने वाली है। नंबर 5 पर मोइन अली उतरेंगे, तो नंबर 6 पर खेलने के लिए उतरेंगे अंबाती रायडू। नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 9 पर महेश टिकाना खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 10 पर पतिराना खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 11 पर तुषार देशपांडे खेलते हुए नजर आएंगे। जबकि टीम के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो आकाश सिंह रहने वाले हैं, जो कि अगर पहले गेंदबाजी आई तो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो बाती रायडू के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अगर सीएसके की टीम को देखा जाए तो काफी खतरनाक नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स भी अपने होम ग्राउंड में कमाल का प्रदर्शन कर सकती है। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।